हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दीपावली। तो मैं आ गई हूँ पूजा रूम में पूजा करने के लिए। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि दीपावली में बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में, साफ सफाई, पूजा का तैयारी करना। तो मेरे घर में क्या आप लोग क्या भी बहुत सारा काम हो गया होगा, इसलिए मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं ले आई हूँ गणपति जी, लक्ष्मी जी को, और साथ में जो मेरे यहाँ जो मूर्ति रहता है जो पहले से ही रखती हूँ वो चांदी का है, तो उन्हें भी यहाँ पे विराजमान कर दूंगी लाल कपड़े पे। उसके बाद जैसे पूजा करते वैसे मैं भी कर लूँगी। माता रानी को कुमकुम चढ़ा दूंगी, सिंदूर चढ़ा दूंगी, फूल चढ़ा दूंगी, जनेऊ चढ़ा दूंगी, अक्षत वगैरह चढ़ा दूंगी, लक्ष्मी माँ को लाल फूल चढ़ा दूंगी। तो थोड़ा मुरझा गया था तो जो था मैं वो चढ़ा दूंगी, और गणपति जी को पीला चुन्नी चढ़ा दूंगी, लक्ष्मी जी को लाल चुन्नी चढ़ा दूंगी, और बगल में रख दूंगी कुबेर भगवान को, और लक्ष्मी माँ के बगल में रखूंगी विष्णु जी को। तो मेरे यहाँ बाल गोपाल हैं छोटे से रूप में, तो मैं उन्हें वहाँ विराजमान करके रख दी हूँ। यहाँ पे चढ़ा दूँगी पान सुपारी, जो भी क्वाइन वगैरह चांदी का है वो सब चढ़ा दूँगी। उसके बाद चढ़ा दूँगी मैं यहाँ पर कमल गट्टा हो गया और कौरी हो गया, पांच रंग का जो रहता है, हल्दी है, धनिया है, सब चढ़ा देना है। आप मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं, शॉर्ट्स में सब बताया हुआ है पूजा पाठ के बारे में। तो यहाँ पे फिर कलश स्थापना करूँगी, उसमें डाल दूँगी आम का पत्ता और चावल, चावल रंग नहीं पाती तो मैं ऊपर से थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी तो कलरफुल हो जाएगा चावल। दीपक जला दूँगी, धूप जला दूँगी, पानी चढ़ा दूँगी, और गणपति जी को लड्डू चढ़ा दूँगी, माता रानी को खीर चढ़ा दूँगी, मखाना चढ़ा दूँगी, नारियल चढ़ा दूँगी। और उसके बाद आपके पास 11 दीपक जलाना है तो आप 11 दीपक जलाइए, 5 जलाइए, 7 जलाइए, जैसे आपकी इच्छा है। तो अब मैं यहाँ पे आरती कर लूँगी। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, या देवी सर्वभूते सुलक्ष्मी रूपेण संसिता, नमः तस्ते नमो नमः या देवी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए लक्ष्मी और गणपति जी का पूजा हो चुका है और अच्छी तरह से हो गया, थोड़ा लेट हो गया था। तो अब जाऊंगी दरवाजे वगैरह का पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे अनन्या और मुमू भी घिरौंदे में घर भर रही है, जो पांच तरह का बर्तन होता है मिट्टी का, तो उसमें लावा फरी लड्डू से भरा जाता है, घर को सजाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब भी काम हो चुका है। फ्रेंड्स, आ गई हूँ मुख्य दरवाजे के पास। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ मुख्य दरवाजे का पूजा। तो यहाँ पे बना दूँगी स्वास्तिक। तो मुख्य दरवाजे के पास स्वास्तिक ज़रूर से बनाइएगा, उससे क्या होता है कि घर में खुशहाली बना रहता है। और साथ में शाम को आकर यहाँ पे रंगोली भी बना दी थी, तो रंगोली बन चुका है, मुख्य दरवाजे का पूजा हो गया है। फिर आ गई हूँ ऊपर गैस का पूजा करने के लिए, तो यहाँ पे चूल्हे का भी पूजा हो गया। तो ये देखिए अनन्या का रूम है, तो जो सजा के रखी है। और फिर मैं यहाँ पर आई हूँ मतलब अलमीरा वगैरह का पूजा करने के लिए। तो जितने अलमीरा रहते हैं वहाँ पर मैं बना देती हूँ स्वास्तिक, ताकि साल भर धन्य धान भरा रहे। और मुमू जा रही है छत पर पटाखा छोड़ने के लिए, क्योंकि उसे तो सुबह से ही बस यही लगा रहता है कि कब रात हो और पटाखा वगैरह छोड़ूँ। तो ये देखिए यहाँ पे लाइट वगैरह लगा हुआ है। तो बस दीपावली अच्छे तरह से हो चुका। तो अब मैं जा रही हूँ दीपक वगैरह लेके छत पे, तो सारे दीपक को एक जगह पर रख लूँगी, बाती वगैरह डाल दूँगी, और छत पे गैलरी में सब जगह में दीपक जला दूँगी। तो ये देखिए मुमू भी यहाँ हेल्प कर रही ताकि मैं छत पे जल्द से जल्द जा सकूँ इन लोग को लेके, क्योंकि मैं पटाखा वगैरह जब बच्चों से छुड़वाती हूँ तो अकेले नहीं छोड़ती हूँ, मैं भी साथ में जाती हूँ। तो ये नया वाला घर है जहाँ पे मैं दीपक लगा रही हूँ, सीढ़ी वगैरह सब जगह पे दीपक मैं इस तरह से रख दूँगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, पटाखा वगैरह छोड़ चुकी है नन्या मोमू। तो अब जा रही हूँ नीचे खाना खाने के लिए, काफ़ी लेट हो चुका है। तो फिर से मिलती हूँ किसी नए ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।